नमस्कार, ये तस्वीरें पानीपत के परसत रोड के बिल्कुल स्ट्रीट गली से यानी कि कृपाल आश्रम के सामने से देख रहे हैं। आज अभिषेक की क्रिया है और इसी के मद्देनज़र जो है भारी पुलिस बल जो है तैनात किया गया है। कल आईजी करनाल ने जो है यहां पर फ्लैग मार्च जो है निकलवाया है। एक बार तस्वीरें आपको दिखा दें, कृपाल आश्रम के बिल्कुल सामने की ये तस्वीरें हैं और DSP स्तर के अधिकारी जो है यहाँ पर मौजूद है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं DSP सुरेश सैनी जो है लगातार अपील भी करते नज़र आ रहे हैं और पीसफुल जो है मामला चल रहा है। एक बार बात करने की कोशिश करते हैं सर, आज अभिषेक की जो क्रिया है बिल्कुल पीसफुल चल रहा है मामला। एक मिनट के लिए जो कैप नहीं है, एक बार सर से बात करते हैं दोबारा, एक बार इधर से दिखा दें। देखिए यहाँ पर जो काफ़ी पुलिस जो है तैनात की गई, हालांकि पानीपत में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, सब शांतिपूर्वक चल रहा है, लेकिन एहतियातन जो है पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया है, आप देख सकते हैं। और सुबह से ही यहां पर पुलिस को इसलिए तैनात किया गया है ताकि कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और एक बार फिर से तस्वीर इधर की दिखा दें, ये मेन गेट हैं और अंदर रस्म क्रिया थोड़ी देर में जो है शुरू होने वाली हैं और इसी को लेकर पुलिस के पुख्ता प्रबंध हैं। सुरेश सैनी जी से बातचीत कर लेते हैं। सर, फ्लैग मार्च भी निकाला जा रहा है और शांति की अपील भी की जा रही है आपकी तरफ से, कैसा माहौल आज पानीपत का? नहीं, आज बिल्कुल वो है, शांति है और ये हमारी जो ड्यूटियां हैं वो भी यहाँ लगी हुई है सर। कितनी तैनात पुलिस फोर्स तैनात करके आज? वो जितनी ज़रूरत थी उसके हिसाब से फोर्स पूरी लगी हुई है। आज कोई बड़ा नेता भी आने की संभावना जी, कोई बड़े अधिकारी? वो तो मैं कुछ नहीं कह सकता, वो जो भी आए वो हमारी फोर्स जो है तैनात है। कितने लोग आ जाने की संभावना जी अंदर में? अभी ये इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है, प्रबंध है, वो पूरे। आज मस्जिदों के बाहर भी आज फिर से पुलिस तैनात की गई एहतियातन? हमारे तरफ से हर जगह जो है लगातार फ्लैग मार्च और शांति की अपील के लिए लगातार हम ड्यूटियाँ कर रहे हैं। आप भी लोगों के बीच में जा रहे हैं, आप भी अपील कर रहे हैं? जी कर रहे हैं, शांति की अपील। जी बिल्कुल कर रहे हैं। ठीक है, सुरेश सैनी जी DSP जो हमारे साथ थे, शांति की अपील जो है होनी भी चाहिए। एक बार अंदर की तस्वीरें जो है यहाँ से दिखाने की कोशिश करें। लोगों का आवाजाही जो है शुरू हो चुकी है, लोग आ जा रहे हैं, पुलिस तैनात है और एक ही अपील पुलिस की तरफ से है कि शांति जो है बनाए रखें और शांति का माहौल भी जो है पानीपत में दिखता जो है नज़र आ रहा है। ये रास्ता जो है कृपाल आश्रम के अंदर जाता है और अंदर एक बार ही आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। ये क्रिया जो है शुरू हो चुकी है और अंदर जो है लोगों का हुजूम जो है लगना शुरू हो चुका है। करीब 2500 से 3000 लोगों के पहुंचने की संभावना जो है यहाँ पर जताई जा रही है और DSP हेडक्वार्टर जो है वो भी यहाँ पर अंदर में तैनात हैं। बाहर भी भारी पुलिस बल तैनात है और अंदर भी काफ़ी जो है पुलिस तैनात की हुई है। चप्पे चप्पे पर आज पुलिस की नज़र जो है बनी हुई है और पानीपत कृपाल आश्रम के से बाहर की बात की जाए, बाहर भी जो है आज भारी पुलिस बल जो है तैनात किया गया है। ये देखिए यहाँ पर जो है काफ़ी संख्या में लोग जो हैं जुड़ना शुरू हो गए हैं। कृपाल आश्रम की ये लाइव तस्वीरें जो हैं हम लोग आपको दिखा रहे हैं। ये पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, पूरी ड्यूटी जो है यहाँ पर लगी हुई है और अंदर की तस्वीर और दिखाने की कोशिश करते हैं। पुलिस की टीमें जो है जगह जगह पर मौजूद है और जब से अभिषेक का जो मामला है पानीपत में हुआ है तभी से पानीपत पुलिस ने जो है मोर्चा संभाला हुआ है इसी को लेकर। और कल IG ने फ्लैग मार्च बाकायदा जो है निकाला है और सभी पुलिस अधिकारियों की मीटिंग भी इस बात को लेकर ली थी कि कोई हेड स्पीच जो है वो ना करे, ग्रुपों में जो है व्हाट्सएप ग्रुपों में कोई ऐसी बात जो है ना फैलाए और धारा 144 जो है इसीलिए लगाई गई है कि ताकि किसी प्रकार की का कोई उपद्रव जो है वो पानीपत में ना। फिर से एक बार ही दिखाएं अंदर की तस्वीरें, ये अंदर जो है शुरू हो चुका है जो क्रिया है वो 2 से 3 बजे का टाइम है और वो क्रिया जो है अब शुरू हो चुकी है। CIA की तमाम टीमें जो है यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और सादी वर्दी में भी जो है आज आपको पुलिस वाले जो हैं मिलेंगे। इधर की तस्वीरें जो हैं आपको दिखाते हैं। कृपाल आश्रम से आप ये लाइव और सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि अभिषेक का जो मामला जो चल रहा था उसी के मद्देनज़र जो है आज चप्पे चप्पे पर पुलिस जो है तैनात की गई है। सादी वर्दी में भी पुलिस है और अपनी ड्रेस में भी जो है पुलिस जो है तैनात की गई। यहाँ अभिषेक के जो समर्थक हैं मिलने वाले थे वो भी यहाँ पर आए हुए हैं और
तस्वीरें वॉइस ऑफ पानीपत के माध्यम से आप देख रहे हैं और आप लोगों को लगातार बता रहे हैं कि पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है और इसलिए तैनात की गई है क्योंकि पिछले दिनों जो उपद्रव हुआ पानीपत के नूरवाला में और 25 सेक्टर में जिन लोगों ने उपद्रव मचाया, हालांकि 25 सेक्टर में जितने भी लोग थे उनको अरेस्ट कर लिया गया है, 10 लोगों की और पहचान हुई है, 8 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और बाकी जितने भी लोग हैं उन्हें पकड़ने के जो है आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो इधर जो है क्रिया चल रही है और ये लोग काफ़ी संख्या में जो है इकट्ठे होना शुरू हो चुके हैं और 2 से 3 बजे तक की ये क्रिया जो है यहाँ पर होनी है। तो एक बार अंदर की तस्वीरें जो है आपको दिखाने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो यहाँ से देखिए अभी जो है हमारा सनातन धर्म दयानंद सरस्वती जो है, मूर्थल वाले दयानंद सरस्वती जो है वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। लोग जो है यहाँ से आप देख सकते हैं ये काफ़ी जो है हुजूम यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो चुका है और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर आखिरी विदाई जो है देने के लिए अभिषेक को आए हुए हैं। श्रद्धांजलि जो है अभिषेक को दी जा रही है। ये धर्म सभा भी है, तो ये हम खाली यहाँ पर भगवान का भजन करके नहीं जाना चाहते, हम एक छोटा सा संदेश दयानंद सरस्वती जो है यहाँ पर कि हमारे भाई अभिषेक वो मौजूद हैं, उनके साथ उनके समर्थक जो हैं वो काफी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। कृपा आश्रम से आप ये तस्वीरें जो है अपने भाई बहन देख रहे हैं, बच्चों के लिए अपनी जान गवा दी। एक छोटा सा संदेश भी देना चाहूंगा कि हर हिंदू एक हो जाए, जात और पात से दूर हो जाए। तो आज अभिषेक को श्रद्धांजलि देने के लिए लगभग पूरा शहर जो उमड़ा है उन्हें आखिरी जो है विदाई दी जा रही है। शांति सभा जो है उनकी याद में की जा रही है, उनकी आत्मा का जो है शांति दी जा रही है, उनकी आत्मा को शांति देने के लिए लोग यहां पर इकट्ठे हुए हैं। अभी तक जैसा कि डीएसपी सुरेश सैनी ने बताया कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, पीसफुल जो है लोग का माहौल जो है पानीपत छोड़ में। इधर आपको तस्वीरें दिखा दें, यहाँ देखिए लोग यहाँ से अंदर की ओर जा रहे हैं और अभिषेक को श्रद्धांजलि जो है दी जा रही है। आप जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ, इस मामले में जो भी और अपडेट होगी हम लोग दोबारा लाइव होने की कोशिश करेंगे। और एक बार बाहर से तस्वीरें हम दिखाने की जो है हम लोग कोशिश करते हैं। ये मुस्लिम हमारे भाई लाइव है ये, और इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। अभिषेक से जुड़ा हुआ जो है मामला वो आपको बता रहे हैं। संत बड़े बड़े संत जो हैं यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। पुनीत जी आप कुछ बात करना चाहें, लाइव चल रहा है, जनता आपको देख रही है, अभिषेक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम। आज शहीद अभिषेक की श्रद्धांजलि सभा है, समाज के लोग आ रहे हैं और समाज में एक शोक भी है और ये भी है कि एक हमारा कार्यकर्ता देश धर्म सनातन के लिए शहीद हुआ। जय श्री राम। आप लोगों ने कुछ मांग किया सरकार से, कुछ परिवार को आर्थिक सहायता या नौकरी नकरी की मांग की? वो हमारे अधिकारी देख रहे हैं, अपने अधिकारी देखेंगे। एक अपील और करना चाहेंगे क्योंकि पानीपत में जिस जैसे उपद्रव फैल रहा है, ये जो बच्चे नए नए जो बच्चे आ रहे हैं इनके लिए भी कुछ अपील, ये कौन लोग हैं, कहाँ से आ रहे हैं ये लोग? हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है, पर हिंदू समाज के लोग हैं उससे थोड़े व्यथित हैं, पर हम बार बार अपील कर रहे हैं कि शांति बनाए रखो, शांति बनाए रखो। पुनीत भत्रा थे, विश्व हिंदू परिषद से थे हमारे साथ, आप जुड़े हैं वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। पल पल के अपडेट के साथ हम लोग दोबारा लाइव होंगे। एक बार ये देखिए लोग जो है अभी आना शुरू हुए हैं, अभी क्रिया जो है 2 से 3 होनी है। आप जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ।